ये जानकर बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं कि जो 11 लाख विद्यार्थी अनुपस्थित हुए उनमें 74.8% लगभग 75% के आसपास उत्तर प्रदेश के बाहर के वो लोग थे जो परीक्षा देने नहीं आते थे और केवल परीक्षा के समय उनके स्थान पर या तो कोई और देता था या खुद वो केवल परीक्षा देकर यहाँ से चले जाते थे। हमारा अगला लक्ष्य है नकलविहीन परीक्षा के बाद कि हमारा फर्स्ट अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू हो बजाय जुलाई के, और इसमें पठन पाठन के लिए हम NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। शिक्षकों की 100% कक्षाओं में उपस्थिति हो और विद्यार्थी 100% उपस्थित हो, ये दोनों हम अनिवार्य करने जा रहे हैं। और अगर एक निश्चित अवधि के बाद कम विद्यार्थी आता है तो उसको फिर अगले वर्ष परीक्षा में बैठना होगा। हमारा सीधा सा संबंध है कि अगर पढ़ाई होगी तो विद्यार्थी नकल नहीं करेगा और बेरोजगार डिग्री धारक बेरोजगार नहीं बनेगा। युवाओं को रोजगार मिलना है तो अच्छी शिक्षा हो, और शिक्षा पे छुट्टियों को हम कम कर रहे हैं। 2.5 महीने की परीक्षा को हमने अभी 1 महीना कर दिया है और अगले वर्ष हम 15 दिन में भी परीक्षा को संपादित कर देंगे। कक्षाओं में वोकेशनल कोर्सेज शुरू करें, इसके डेवलपमेंट से संबंधित हमारे नए नए स्कूल खुले इसकी भी हमने पूरी व्यवस्था करी है। तो हमारा अगला लक्ष्य, जितना हमने नकलविहीन परीक्षा में ध्यान दिया है उतना ही समय से रिजल्ट, और समय से रिजल्ट के बाद समय से हमारा पाठ्यक्रम शुरू हो और परिणाम जो आवे वो भी समय से आवे और नया सत्र हमारा चाहे वो विश्वविद्यालय का हो या कॉलेजेस का हो समय से प्रारंभ। सर दसवीं विश्वविद्यालय अम्बेडकर विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है यूपी बोर्ड की परीक्षा में तो नकल रुक चुकी है, लेकिन वहाँ सामूहिक नकल के मामले सामने आ रहे हैं। जहाँ आ रहे हैं, आज भी मैं DMSSP का मथुरा में करके आया हूँ और अभी जा रहा हूँ आगरा में भी इसकी व्यवस्था करके आ रहा हूँ, और अगले बार से मेरी कोशिश होगी क्योंकि अभी हमने एक प्रयोग किया था माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के संदर्भ में, उसमें उनको अच्छी सफलता मिली और अब उसको लगता है कि अगले वर्ष हम उच्च शिक्षा में भी उसी प्रकार की कोई प्रक्रिया अपनाएंगे कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी नकल मुक्त साबित हो। सर 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा माध्यमिक थी